योगी कैबिनेट के सम्राट पृथ्वीराज फिल्म देखने पर अखिलेश यादव का तंज, बोले मुफ्त के बजाय टिकट लेकर देखते फिल्म। उत्तर प्रदेश में सम्राट पृथ्वीराज फिल्म को लेकर सियासत शुरू हो गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को अपने मंत्रियों और विधायकों के साथ फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग देखी तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव को यह रास नहीं आया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नसीहत देते हुए अपने पहले ट्वीट में कहा कि ऐतिहासिक फिल्म देखने के बाद कैबिनेट से आग्रह है कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान हालात भी देखें। इतिहास के आटे से वर्तमान की रोटी नहीं बन सकती। अखिलेश यादव ने यह ट्वीट उस समय किया जब योगी कैबिनेट के लिए लोक भवन में फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग चल रही थी। इसके कुछ ही देर बाद अखिलेश यादव ने एक तस्वीर भी पोस्ट की जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ फिल्म के कलाकारों और अपने मंत्रियों के साथ स्पेशल स्क्रीनिंग देख रहे हैं। अखिलेश ने तस्वीर के साथ ट्वीट किया कि लोक भवन में सपा सरकार के बनाए आधुनिक ऑडिटोरियम में भाजपा सरकार की कैबिनेट ऐतिहासिक फिल्म देख रही है। वैसे फिल्म पीछे बैठकर देखी जाए तो और भी अच्छी दिखती है और मुफ्त के बजाय टिकट लेकर भी, क्योंकि इससे राज्य के राजस्व का नुकसान नहीं होता। अखिलेश यादव के ट्वीट पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, श्री अखिलेश यादव जी, फिल्म सम्राट पृथ्वीराज पर आपका कमेंट मानसिक दिवालियेपन का परिचायक है। आपको स्पष्ट करना चाहिए कि आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी के बारे में क्या कहना चाहते हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिल्म सम्राट पृथ्वीराज को रिलीज होने से पहले ही उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री करने की घोषणा कर दी है। सीएम योगी ने अक्षय कुमार और मानुषी चिल्लर अभिनीत फिल्म सम्राट पृथ्वीराज देखने के बाद कहा कि उत्तर प्रदेश में यह फिल्म टैक्स फ्री की जाएगी। उन्होंने कहा कि मैं इस फिल्म के निर्देशक को और कास्ट को बधाई देता हूं। मुझे कई वर्षों के बाद किसी फिल्म को देखने का अवसर प्राप्त हुआ।